द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, ट्रेंडिंग वीडियोस पे, तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर हम वीडियोस हमेशा बनाते ही रहते हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे AMI मॉरेटोरियम की बात आई, चाहे लॉकडाउन गाइडलाइंस की बात आई, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो ट्रेंडिंग हो और आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना जरूरी हो। तो आज हम बात करने वाले हैं किसी ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक की। ये टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा #विनोद या बिनोद, यानी कि BINOD काफी फेमस हो रहा है, काफी ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। इवन ट्विटर पर भी इसके टैग से जो है पूरी, मतलब पूरी तरीके से ये फैला हुआ है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन है ये, क्या लॉजिक है इसके पीछे, वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस टॉपिक पर या इस हैशटैग विनोद पर कोई भी लॉजिक नहीं है। हुआ यूं कि ये जो इंसान है, अभी तक हालांकि इसका पता नहीं चला है कि कौन है विनोद। विनोद थारू नाम है, ये सबको पता है, लेकिन उसके चेहरे के बारे में, उसके फेस के बारे में कोई नहीं जानता। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि विनोद थारू नाम का यूट्यूब चैनल है। अगर अब आप जाकर देखेंगे विनोद थारू के नाम से यूट्यूब चैनल, तो काफ़ी सारे लोगों ने कॉपी करके बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल अभी बना लिए हैं। तो विनोद थारू ने क्या करता है, विनोद थारू किसी की भी वीडियो देखता है और उसके नीचे कमेंट कर देता है अपना नाम विनोद, जैसे कि हम सभी कई बार करते हैं। मैं भी अपनी वीडियोस के नीचे देखती हूँ कि आपका जो नाम है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं। मान लीजिए राहुल, तो आप राहुल लिख देंगे, अजय तो आप अजय लिख देंगे। इस तरीके के आप जो है नाम अपने चैनल में कमेंट्स के नीचे आप लिख देते हैं। तो विनोद थारू भी कुछ इस तरीके से ही है। विनोद थारू किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख के उनके कमेंट सेक्शन में अपना नाम छोड़ता था, BINOD विनोद, दैट्स इट, और आगे कुछ नहीं करता था। और इसके अलावा भी वो जहाँ पे भी उसको कमेंट करना होता था, इवन वो अमेजन से भी अगर सामान ऑर्डर करे, उसको फीडबैक देना पड़े, तो वो लिखता था अपना नाम विनोद। और इतना ही नहीं, उसके कमेंट्स पर लाइक भी खूब आते थे, क्योंकि काफ़ी ऐसे सारे लोग हैं जो अपने नाम को कमेंट में यूज़ करते हैं। तो ये ट्रेंड कैसे किया, क्या हुआ इसमें कि जो ट्रेंड किया। तो ऐसे काफ़ी सारे बिना लॉजिक की चीज़ें बहुत बार ट्रेंड होती हैं, जैसे कि आपने एक बार देखा था बीच में एक 10 रुपये का नोट और उस पर लिखा था सोनम बेवफा है, वो भी पूरा ट्रेंड किया था, आप सभी को, आई होप सबको याद होगा। तो वो सोनम कौन है किसी को नहीं पता। इस तरीके से विनोद कौन है, विनोद थारू है ये सबको पता है, लेकिन कौन है ये किसी को नहीं पता। तो ट्रेंड करना शुरू ऐसे हुआ कि स्ले पॉइंट नाम का एक यूट्यूब चैनल है, जिसकी मैं भी सब्सक्राइबर में फॉलो करती हूँ। तो वो क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक पर रोस्ट वीडियो बनाते हैं, जैसे कि कैरी मिनाती बनाता है, सेम उसी टाइप से वो रोस्ट करते हैं थोड़े कम लेवल पे। तो वो वाले लोग हैं जो उन्होंने देखा कि उनके चैनल पे भी कमेंट पे लोगों ने विनोद 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 हर एक वीडियो पे, तो उन्होंने इस तरीके से वीडियो बनाई, उनकी वीडियो ट्रेंडिंग पे आई, और ट्रेंडिंग पे आने के बाद सब लोगों को विनोद का पता चला और काफ़ी लोगों ने अपना नाम लिखने की बजाय विनोद लिखना शुरू कर दिया और उसको ट्रेंडिंग में पहुंचा दिया। आजकल ये पूरा वायरल हो चुका है, एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है, और ट्विटर पे भी अगर आप जाकर देखेंगे तो हैशटैग विनोद काफ़ी वायरल हो रहा है। और ये विनोद सिर्फ इतना ही नहीं कि इसने सिर्फ कमेंट्स में लिखा, इसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स ने विनोद को यूज़ किया है। किस तरीके से, टेक्निकल गुरुजी की आप वीडियो देखेंगे, वहां पर भी अमित जो है विनोद आपको मिल जाएगा। काफी फेमस यूट्यूबर्स हैं, बीबी की वाइंस, अमित बढ़ाना, वहां तक के कमेंट्स में आपको विनोद देखने को मिल जाएगा। काफी फॉरेन के जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है #IWantToCollab with #विनोद। और इसके अलावा यहाँ तक कि मुंबई पुलिस ने भी ट्वीट किया है कि विनोद, डियर विनोद, वी होप योर पासवर्ड इज नॉट #विनोद, प्लीज चेंज इट ऑनलाइन सेफ्टी। तो इस तरीके से काफी सारे यूट्यूबर्स के बीच में ये प्रचलित हो चुका है, और अब ये विनोद कौन है किसी को नहीं पता, लेकिन सब इसके बारे में जानना चाहते हैं, और सब लोगों ने विनोद थारू के नाम से इतने काफी चैनल्स बना चुके हैं कि ये पूरा ट्रेंडिंग बन चुका है, काफी वायरल हो रहा है। अब आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम भी आप अपने यूट्यूब की ट्रेंडिंग वीडियो में जाकर देखिए, आपको 10 में से भी 3-4 वीडियो अभी भी ऐसी मिल जाएंगी जो विनोद टॉपिक पे मिली हैं, और आपको ऐसे ऐसे चैनल देखने को मिल जाएंगे विनोद टॉपिक पे ट्रेंडिंग, जो कभी लाइफ में ट्रेंडिंग आए ही नहीं होंगे।
तो ये इस वीडियो का मकसद एक थोड़ा फनी, एक थोड़ा ट्रेंडिंग, ये सारी चीजें आपको बताने का था। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं विनोद, नहीं तो कुछ और क्वेरी या कुछ और सजेशन, हमें आपके सजेशंस और कमेंट का वेट रहेगा। मैं लाइक जरूर करूंगी, तो आपके कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ती हूँ। और जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए किसी ट्रेंडिंग टॉपिक।